मेरे भाई पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में धाक लेती। मेरा भाई एजाज की तरह नहीं है, गुंडा मवाली कहेगा। मेरा भाई लाखों में एक है, कोई चोर नहीं है। बाजी मेरी बात तो सुनिए। उसे चोर कह रही है। बाजी हफीज इतना परेशान क्यों है, कहीं कमरे की तलाशी से तो नहीं डर रहा? रुको दुआ, रोक क्यों रहे हैदर? लेने दीजिए ना हफीज के कमरे की तलाशी, सबको साबित हो जाए कि मेरा भाई बेगुनाह है। हफीज के रूम की तलाशी नहीं होगी। बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो दू? बेटा हफीज के कमरे की तलाशी क्यों नहीं होगी? अभी हफीज बेकसूर है, वो पैसे चुरा ही नहीं सकता। गजल और अम्मी ने जब इल्जाम लगा ही दिया है तो तलाशी भी हो जाने दीजिए। आखिर सबको साबित हो जाए कि मेरे भाई ने चोरी नहीं की है, और होनी भी चाहिए तलाशी। हैदर ने मुझसे बकायदा निकाह किया है, मैं इस घर की बहू हूं। जब मुझे जलील किया जा सकता है, मेरे कमरे की तलाशी ली जा सकती है, तो फिर इस हफीज के कमरे की तलाशी क्यों नहीं ली जा रही? क्योंकि मैंने कहा कि हफीज बेकसूर है, और मैंने ये भी कहा कि उसने चोरी नहीं की है, मतलब नहीं की है। अच्छा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि हफीज बेकसूर है? आपको कैसे पता कि इसने चोरी नहीं की? बोलिए हैदर, चुप क्यों है? हैदर आप इस पे इतने मेहरबान क्यों हैं? बताइए हैदर। क्योंकि हफीज इस घर का मेहमान है, और मेहमानों के साथ ऐसी हरकत नहीं की जाती, ऐसा सलूक नहीं किया जाता। और जो मेरे साथ सलूक हुआ है उसका क्या? जवाब दीजिए। एक मेहमान की इस घर में इज्जत है, लेकिन आपकी बीवी की आपके इंसाफ की किताब में कोई इज्जत नहीं है। चुप क्यों है हैदर? जवाब दीजिए। मैं कोई बहस नहीं चाहता, हफीज इस घर का मेहमान है, बात आगे नहीं छिड़ी जाएगी, बस। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं भी इस घर की मेहमान ही। क्या रिश्ता है मेरा आपसे? आपने मुझसे निकाह तो कर लिया, लेकिन आप इस रिश्ते को मानते ही नहीं है हैदर। मुझे कभी भी इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जा सकता है, तो इस लिहाज से तो मैं भी मेहमान ही हूं ना।
अगर मेरे कमरे की तलाशी ली गई है तो हफीज के कमरे की तलाशी भी ली जाएगी। या तो मुझे मेरा हक दीजिए या फिर हफीज के कमरे की तलाशी लेने दीजिए। तुमसे निकाह किया है मैंने। उससे ज्यादा हक क्या चाहिए तुम्हें खासा? तुम मेहमान नहीं हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी बीवी हो। पत्थर में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सही मौका है एक और हथौड़ा मारने का। बीवी हूं या मजबूरी, मुझसे रिश्ता रखने में आपकी रजामंदी है या नहीं? बोलिए हैदर। हाँ। रजामंद हूं। अफसोस कि तुम मेरे घर में हो, अफसोस कि मैंने तुमसे निकाह किया। अपने अल्फाज वापस लीजिए। जो आपने सबके सामने चिल्ला चिल्लाकर कहा था वो वापस लीजिए और कह दीजिए कि आपको मुझसे निकाह करके कोई अफसोस नहीं है। कमरे की तलाशी लेने देते। तलाशी लेकर खत्म कीजिए ना मामला। चलिए। दुआ, तुम्हें इनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? डरो मत, मैं तो इन्हें सिर्फ हमारे रिश्ते का एहसास करा रही थी। कह दीजिए हैदर कि आपको मुझसे निकाह करके कोई अफसोस नहीं है। गजल, तुम बार बार मुझे क्यों रोक रहा है? कहीं इसने अदानी में वो पैसे तो नहीं ले लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। अपने अल्फाज वापस लीजिए हैदर।
कह दीजिए कि आपने मुझे अपनाकर कोई गलती नहीं की। गजल हैदर से ये बात क्यों बुलवाना चाहती है? ये तो खुद हैदर से नफरत करती है, फिर क्यों अपनी बात पेड़ी हुई है? कहीं कहीं गजल हैदर से सच में मोहब्बत तो नहीं करती? शुक्रिया हैदर। बोलिए हैदर कि आपने मुझे अपना कर कोई गलती नहीं। उससे क्या साबित हुआ? अपने अल्फाज वापस लीजिए। ठीक है ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। तुमसे निकाह करके मैंने कोई गलती नहीं की। इस रिश्ते से मुझे कोई अफसोस नहीं है। बहुत खूब, अब ऐलान कीजिए कि आप मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। ये सारी बातें अकेले में जाकर करो। हम यहाँ पर पैसे ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तुम्हारी ये मोहब्बत की दास्तां सुनने के लिए नहीं। ये भी सही है। गजल बेटा जाने दो, छोड़ दो बात को। चलो भाई हफीज के कमरे की तलाशी लो और एक बार पैसे मिल जाए तो पुलिस को इत्तला कर दे। मैंने कहा ना कि उसने चोरी नहीं की है, मतलब नहीं की है। हफीज के कमरे की तलाशी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हैदू बेटा? 7 लाख रुपए कोई मामूली रकम तो नहीं है ना? ये पैसे मैं भले ही गरीबों में बांट दूं, लेकिन किसी चोर के हाथ हरगिज नहीं लगने दूंगी। एक बार हमारे पैसे मिल जाए, चोर पकड़ा जाए, फिर उसे पुलिस के हवाले करके अच्छी तरह मरम्मत कराऊंगी, उसकी हाथ पैर तुड़वाऊंगी। अरे देख क्या रहे हो, चलो ना, हफीज के कमरे की तलाशी लेनी है हमें, चलो। हफीज ने चोरी नहीं की है, वो पैसे तो वो पैसे क्या? बोलो है तू, बोलो ना है तू, वो पैसे क्या? वो पैसे मैंने लिया मैं। हाँ
बहुत खूब हैदर, अब तो आप झूठ बोल के बस गए। पैसे आपने लिए हैं? तो फिर मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? बताइए हैदर। देखो मुझे कुछ याद नहीं है, जब सब लोग हफीज के कमरे की तरफ बढ़े तब याद आया कि जब दुआ वॉशरूम में गई थी तो ड्रेसिंग टेबल पे मैंने चाबी देखी, चाबी उठाई और लॉकर से पैसे निकाल दिए क्योंकि मुझे जरूरत थी। मेरे पैसे, मैं चाहे जो भी करूं उसके साथ। बात को इधर ही खत्म करते हैं, पैसे के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, समझे आप लोग? हैदर अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी चाबियां टेबल पे नहीं छोड़ती। फिर हैदर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है? देखो मेरी गलती है, मैं सबसे माफी मांगता हूं। I'm sorry, मुझे कुछ याद नहीं था। हफीज, ये गुनाह तुमने किया है क्या? हफीज, मैं कुछ पूछ रही हूं। या मेरे मौला, ये मेरे भाई ने क्या कर दिया? कितनी हैरत की बात है ना, मेरे प्यारे शौहर ने पैसे लिए और इल्जाम मुझ पे लगा बैठे। हैदर ये सब मेरे भाई को बचाने के लिए कर रहे हैं। इनका तो कुछ नहीं गया, लेकिन बस कुछ वक्त के लिए मैं बदनाम हो गई। लेकिन खैर छोड़, मियां बीवी में छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है। लेकिन अब मेरे प्यारे शौहर से गुनाह तो हुआ है, तो अब इस गुनाह की सजा तो मिलनी चाहिए ना? गजल, अरे से कोई समझाए कि मियां बीवी के बीच में नहीं बोला करते। बेवकूफ कहीं की कबाब में हड्डी बनी हुई है। तो कहां थे हम मेरे प्यारे शौहर? हाँ, क्या सजा दी जाए आपको? बताइए। गजल, क्या बोल रही हो? मेरे बेटे को सजा देने की बात कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? रहने दीजिए अम्मी। इसे जो बोलना है बोलने दीजिए अम्मी। मुझे हर सजा मंजूर है। बोलो मुझे क्या करना होगा? कुछ करना नहीं है,
बस गवाही देनी है ताकि यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान के दिलों दिमाग में ये बात घर कर जाए। मैं किसी की दूसरी औरत या गुलाम नहीं हूं, मैं हैदर की बीवी हूं। आपने कहा था ना कि आपको हमारे निकाह पर अफसोस है। अब ऐलान कीजिए कि आप मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं।